Hello student, now we are explaining question number 2. That is ABC is a right angle triangle in which angle A. ABC आपका एक right angle triangle है. आपको जो figure है वो given नहीं है. तो हमने ABC triangle draw किया, but right angle triangle draw करेंगे. और उन्होंने क्या बोला है कि A पर 90 degree formed हो रहा है. तो हमको यहाँ पर क्या write करना पड़ेगा? ABC इस type से हमेशा नहीं कि हम कुछ भी write करें. उन्होंने A पे बोला तो हमको A पे ही 90 degree क्या करना है? उसके बाद उन्होंने गिवन में लिखा है AB एंड AC आर इक्वल. AB और AC साइड दोनों के सी इक्वल है. आपको फाइंड B एंड C की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है. B एंड C की वैल्यू को आपको क्या करना है? फाइंड करना है. ओके, जब आपको पता है कि ट्राइंगल ABC और कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये आपको गिवन है. ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल. ये आपको गिवन है. ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. देन आपको ये भी पता है कि एबी इक्वल टू क्या है? एसी है. एबी एंड एसी इक्वल है, गिवन है आपको, गिवन है. अब उसके बाद आपको ये पता है प्रॉपर्टी कि एबी एंड एसी साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो एंगल बी एंड एंगल सी को आप क्या बता सकते हैं? इक्वल बता सकते हैं. एंगल बी ये एसी के अपोजिट क्या रहा? बी. ए बी के अपोजिट क्या रहा? सी. आप रीजन में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताया था. इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा इसमें. बी एंड एंगल सी क्या होगा? आपकी इक्वल. अब उसमें आपको बी एंड सी को हम क्या मान लेते हैं? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या मान लेते हैं? एक्स. हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू एक्स है. बट अगर हम ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? या फिर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम की बजाय बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको ऐसे लेने दीजिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री बाय एंगल प्रॉपर्टी. ए की वैल्यू आपको कितनी है? 90 डिग्री है. ए की 90. बी एंड एक्स अपने इक्वल है तो दोनों को हमने एक्स एक्सक्लूड कर दिया. एक्स प्लस एक्स कितने हो जाएंगे आपके? 2x. कितने हो जाएंगे? 2x. अब 2x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90. 180 में से 90 माइनस हुए तो कितने होंगे आपके? 90 आ जाएंगे. x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2. 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 45 डिग्री. तो ये दोनों जो टू एंगल्स है आपके, एंगल बी भी 45 हो जाएगा और एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 45. तो हमारा आंसर इज एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू भी 45 डिग्री. इस टाइप से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ऐसा पढ़ने के साथ लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा टफ जाएगा, बट बहुत सिंपल है. इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, बट उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी, देन हमारा आंसर राइट हो जाएगा. बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. मतलब जो बी की वैल्यू वही किसकी वैल्यू होगी? सी की. तो हमने हम दोनों को क्या मान लिया? इक्वल मान लिया. ओके, इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. वो भी इसी टाइप में है. ट्राइंगल आप क्या सॉल्यूशन में बता रहे हैं आपको? इन ट्राइंगल
ट्राइंगल। ओके, ये आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी थ्री साइड्स कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, ये आपको गिवन है कि तीनों साइड्स कैसी आपकी इक्वल है। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इनके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन में क्या लिखेंगे आप, वही रीजन लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इस टाइप से आपका रीजन आ जाएगा। ये अगर ये तीनों इक्वल है तो इनके इक्वल टू में हम एक्स मान लेंगे, तीनों के प्लेस पे क्या मान लेंगे हम एक्स। इसमें रीजन में क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल आर इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये रीजन आप लिख सकते हैं। अब उसमें ये तीनों एंगल तो इक्वल है, तो तीनों एंगल को हमें कोई वेरिएबल मान लेते हैं, हम एक्स मान लिया हमने, क्या मान लिया एक्स। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होता है, बाय, आप रीजन में क्या लिखेंगे, बाय एंगल प्रॉपर्टी। क्या राइट करेंगे आप, बाय एंगल प्रॉपर्टी। इस टाइप से इतना समझ में आ गया आपको। अब ए के प्लेस पे भी एक्स राइट करेंगे, बी के प्लेस पे भी एक्स और सी के प्लेस पे भी एक्स, क्योंकि तीनों इक्वल है। एक्स 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 कितने एक्स हो जाएंगे आपके, थ्री एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 180 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। मतलब ईच एंगल इज 60 डिग्री, यही प्रूव करना था आपको, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो देयरफॉर आप लिख देंगे ईच एंगल इज 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू 60 आ गई, मतलब ये ए की वैल्यू भी 60 है, बी की वैल्यू भी 60 और सी की वैल्यू भी आके आ गई आपकी 60 आ गई। टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या राइट करना है, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर राइट करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, या आपकी इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल आर इक्वल साइड आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। देन ये तीनों की वैल्यूज को हमने एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दे, एक्स हम कुछ भी मान सकते हैं, के वाई ए कुछ भी। तो हमने एक्स माना इसको, ए प्लस बी प्लस इक्वल 180 बाय एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी लाइक की हम इन तीनों को जब प्लस किया तो कैंसिल किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो आपकी ये जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि वो इसमें बेस्ट है। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किए थे तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.3 एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक्स।